मुक्त हो गए हैं, आप सफल हो जाओगे बिल्कुल सर, सारी जानकारी होगा। प्रबल संस्कार से ही बच्चों के जीवन में शैक्षिकी व नैतिक विकास में प्रगाढ़ता लाई जा सकती है तथा इससे शिक्षित समाज पल्लवित हो सकता है। बिना संस्कार जीवन व्यर्थ हो जाता है तथा मानव पशु समान जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाता है। उक्त बातें दलसिंह सराय के पुलिस उपाधीक्षक दिनेश कुमार पांडेय ने मंगलवार को प्रखंड मुख्यालय स्थित विद्यापति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मऊ वाजिदपुर दक्षिण के प्रांगण में आयोजित ऑपरेशन संस्कार के तहत छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों को संबोधित करते हुए कही। श्री पांडेय ने बच्चों को संबोधित करते हुए जीवन में संस्कार के महत्व को समझाया तथा उपस्थित बच्चों को ओनली संस्कार नो अहंकार का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में समाज में शिक्षित व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है लेकिन जीवन मूल्यों में गिरावट आ रही है। छात्र देश के भविष्य हैं, आज वे तनाव अवसाद बाह्य आकर्षण और अनुशासनहीनता के शिकार हो चुके हैं। इसका कारण पाश्चात्य संस्कृति विद्यालय समाज ही नहीं बल्कि संस्कारों के प्रति हमारी उदासीनता भी है। उन्होंने कहा कि बच्चों के जीवन में प्रबल संस्कार देने में परिवार और उनके माता पिता का महत्वपूर्ण स्थान है। माता पिता जैसा संस्कार अपने बच्चों में देंगे आगे चलकर वह उसी रूप में फलीभूत होगा। जो माता पिता अपने बच्चों में अच्छे संस्कार आरोपित करते हैं वे बाह्य वातावरण से प्रभावित हुए बिना अपने जीवन में फलीभूत होते हैं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वे बच्चों को भौतिक संसाधनों के स्थान पर संस्कारों की सौगात दें। उन्होंने बच्चों को बुरी आदतों से बचने तथा अपने से बड़े लोगों का आदर करने की प्रेरणा दी। साथ ही उन्होंने मोबाइल फोन का कम से कम इस्तेमाल करने की सलाह दी। डीएसपी ने कहा कि आज समाज में बच्चे और युवा गलत आदतों के शिकार हो रहे हैं जिनसे उनका नैतिक पतन हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों में आज नशा जैसी बुरी आदतों का प्रचलन बढ़ा है तथा युवा पढ़ाई छोड़कर मोबाइल की दुनिया में व्यस्त हो गए हैं जिससे उनका भविष्य खराब हो रहा है। उन्होंने बच्चों को इन बुरी आदतों से बचने एवं जीवन को संस्कारित करने की अपील की। इससे पूर्व विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य अमित भूषण ने डीएसपी दिनेश कुमार पांडेय एवं आगत अतिथियों का स्वागत मिथिला परंपरा के अनुरूप पुष्पगुच्छ पाग एवं शॉल भेंट कर किया। मौके पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के अलावा शिक्षक एवं सामाजिक सरोकार से जुड़े लोग मौजूद थे। आपके द्वारा विभिन्न स्कूलों में प्रखंड अंतर्गत संस्कार नैतिकता की पाठ पढ़ाई जा रही है, इस पर दो शब्द अपना विज्ञान रूप में दें जो बच्चों के लिए या क्यों जरूरी है। देखिए, इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है नो अहंकार ओनली संस्कार, और जब हमारे जो नई यूथ पीढ़ी है उनके अंदर ये संस्कार आ गया, वो अनुशासित हो गए तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। फिर जब बच्चे संस्कारवान होंगे मेरा समाज संस्कारवान होगा और फिर एक अच्छे जो है जिस समाज की हम परिकल्पना कर रहे हैं तो वह हमारा सपना जो है वह फलीभूत होगा, यही इसका उद्देश्य है। सर, अभी तक में जहाँ भी ये संस्कारवान की जो आपका पाठशाला चला है उसमें बच्चे ने अभी तक कहीं पॉजिटिवली इस चीज़ को लिया है क्या? बच्चे में जागरूकता आ रही है, बच्चे के पेरेंट्स में इस तरीके की भावनाएं जग रही है? बिल्कुल, इस क्षेत्र में हम लोग हमेशा भ्रमणशील रहते हैं, अभिभावकों से भी मुलाकात होती है, बच्चों से भी है मुलाकात होती है और इसका सकारात्मक परिणाम है। उसी ऊर्जा से तो यह कार्यक्रम लगातार जारी है, नहीं तो यह कार्यक्रम कब का जो है रुक गया होता। सर, अभिभावकों के लिए इस तरह का कार्यक्रम क्यों नहीं आयोजित किया जा रहा है? कि बच्चे जो हमारे नए यूथ हैं और यह उल्टा प्रवाह करने का प्रयास है कि बच्चे हमारे जब जो है समझ जाएंगे हमारे अभिभावक भी जो है समझ जाएंगे। बिल्कुल, अभी अभी सेवानिवृत्त हुए हमारे रामराजी पोदार सर जिन्होंने इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में अपना अहम योगदान दिया, उनको सम्मानित करते हुए हमारे अमित भूषण सर बहुत बहुत बधाई। अब हमारे बीच साहित्य ग्राम साहित्य के एक शिक्षाविद हैं जो रेलवे रिटायर्ड हैं, इन्होंने भी समाज के उत्थान के लिए कई कार्य किए हैं, शिक्षा प्रेमी हैं, इसीलिए आज इस विद्यालय परिसर में ऑपरेशन संस्कार में भाग लेकर बच्चों के प्रति अपने स्नेह जो ऑपरेशन संस्कार योजना चलाई है बड़ा ही रोचक मालूम हुआ और बच्चे बच्चियों ने काफ़ी उत्साह से इस बात को ग्रहण किया और भविष्य में भी ग्रहण करेंगे और देखा कि उनका जो
भाषण था, बड़ा ही रोचक था, रोचकपूर्ण था, और उनकी कर्मठता को देखकर हम लोग दंग दंग हैं। विद्यालय परिवार, सारे अभिभावक, बच्चे बच्चियां काफ़ी उत्साहित और उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए अग्रसर। द्वारा यहाँ पे संस्कार नैतिकता की पाठ पढ़ाया गया, क्या यहाँ के शिक्षक और आपके द्वारा भी उस पर पहल की जाएगी बच्चों के लिए? बिल्कुल, हमारे विद्यालय के परिवार के सभी शिक्षक शिक्षिका उन सब चीज़ों का बड़े ही गौर से, गहराई से अवलोकन कर रहे थे और अपने आप को उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो तत्पर होंगे, यह मुझे पूरा विश्वास है। क्या लगता है बच्चों के संस्कार को लेकर जिस तरह का कार्यक्रम रखा गया है स्कूल प्रबंधक के द्वारा, तो आप जरा ये बतलाइए, क्या शिक्षक और अभिभावक का और बच्चों के साथ एक इस तरह का मीटिंग नहीं होना चाहिए, गोष्ठी नहीं होना? बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली अभी जो समय चल रहा है, चूँकि मॉर्निंग आवर है, 7 बजे से ही कड़ी धूप, मैंने तो इस ग्राउंड में व्यवस्था की थी कि हमारे बच्चे अभिभावक जो है सो यहाँ पर उपस्थित हों और इसका लाभ लें, लेकिन धूप की कड़ाई की वजह से हमने उसको फिर शिफ्ट किया बरामदे में। तो आगे अनुकूल वातावरण होने की स्थिति में मैं शिक्षक, अभिभावक, छात्र सभी का एक गोष्ठी आयोजित करूँगा और शानदार तरीके से, भव्य तरीके से करूँगा। क्या नाम है सर? अमित भूषण।